हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जस्ट अभी शार लिया है, कू को भी शार दिला दिया है। तो आज हम लोगों की है एनिवर्सरी एंड दिस इज अवर 8th वेडिंग एनिवर्सरी। सो हमारा वैसे तो देखिए प्लान ये था कि आज हम लोग वहां से आ जाते, हमारा 2 दिन का स्टे था कि कल विक्की को जाना है उसके कजिन की शादी में गाँव। तो 2 दिन के लिए कुहू और हम लोग अकेले रुकने वाले हैं। आज हमारा ये डिसाइड हुआ है एनिवर्सरी का कि हम लोग जाने वाले हैं बुफे ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग वहाँ रुक रहे होते तो आज हमारा चेकआउट होता, तो ऑब्वियसली हम लोग बुफे ब्रेकफास्ट करके आते। तो अभी हमारा ये प्लान है कि हम लोग बुफे ब्रेकफास्ट भी करेंगे और शाम को हम लोग बुफे डिनर भी करेंगे। तो जस्ट हमारे घर के मतलब मुझे पता है बुफे में स्टेकेशन करना इसलिए पसंद आता है कि बुफे कर जब आप कर लेते हो ना, दो मतलब पेल के खाती हूँ। देखिए मैं ऐसी कोई डिश नहीं होती है, जब मैं आज से 3-4 साल पहले आप पूछते तो मैं शायद 4 डिशेस खाती थी और बाकी सब छोड़ के आ जाती थी। तो मेरे लिए बुफे मतलब पैसे बर्बादी होता था। बट अब मैं एक एक डिश ट्राई करती हूँ, हर चीज़ को टेस्ट करती हूँ और हर चीज़ खाती हूँ, तो वैसा हो गया है मेरे साथ। तो मेरे को फिर ये होता है कि जब मैंने सब कुछ खा लिया यहाँ तक भर लेती, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कहीं जाना नहीं है भाई, मुझे तैयार होकर के कहीं जाना नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है लोअर टी शर्ट पहनो और जा करके सो जाओ। बट वो आप तभी कर सकते हो जब आप स्टेकेशन में रुक रहे होते हैं। इसलिए मुझे स्टेकेशन पसंद आता है बुफे वाले जगहों पे कि आप बुफे करो और फिर वहीं रुक जाओ। बट क्योंकि हमारे बिल्कुल घर के यहाँ पर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं तैयार करके जाऊँगी, देखती हूँ क्या पहनती हूँ। एक मेरा गाउन रखा हुआ है वेस्ट साइड से लिया हुआ, सोच रही हूँ उसको पहन लेती हूँ। कुहू को भी मैं रेडी करती हूँ। अभी तो मैंने कुहू को चेंज करा दिया है, नहला दिया है, सब कुछ कर लिया। विक्की शार लेने के लिए गया हुआ है और क्योंकि अभी हम बाहर जा रहे हैं तो देखिए कुहू अभी बाहर का हम उसको बहुत नहीं देते हैं, देते भी है तो थोड़ा बहुत जैसे इडली दे देते हैं, प्लेन डोसा देते हैं। तो देखिए मैं मोस्टली घर पे ही उसके लिए लेके जाती हूँ चीजें, बट इन केस जैसे होटल गए हैं तो थोड़ा बहुत इडली उसको चखा दिया, डोसा जो है प्लेन वो उसको चखा दिया, ऐसी चीजें वो खा लेती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है तो उसको अच्छी खासी भूख लगेगी। अभी मैं मिल्क रख रही हूँ उसके लिए। तो दिस इज द एप्टामिल गोल्ड स्टेज 3, क्योंकि नाउ कुहू इज 12 मंथ्स प्लस, तो वो स्टेज 3 पे आ गई है। तो यूजुअली देखिए हम लोगों ने, आपने देखा ही होगा, स्टेज 1 भी कुहू को यही दिया था, स्टेज 2 भी यही दिया था, स्टेज 3 भी हम एप्टामिल ही दे रहे हैं। दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फ्रॉम माई साइड, मुझे बड़ा ही पसंद है ये। जो है बॉटल फीड नहीं लेती है उसको कटोरी और स्पून से हम लोग देते हैं, और डॉक्टर से भी अब यही बोला है कि जितना हो सके आप बॉटल उनको दीजिए मत। तो पानी पीने के लिए बॉटल लेती है और अब हमने पानी के लिए भी उसको एक कप लेकर के आ गए हैं, ओपन कप टाइप का उसे देते हैं मोस्टली। तो कि अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, आपको मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है, गो फॉर दिस वन, के अंदर वो सारी चीजें हैं जो मदर मिल्क में होती है, तो एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है मदर मिल्क का। टीथिंग इशू है, वो खाना नहीं खा रहा है, तब आप इसको दे सकते हैं। डे केयर में जा रहा है तब आप इसको दे सकते हैं मदर मिल्क, अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो। वीट इंटॉलरेंसी वाले बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं, लैक्टोस इंटॉलरेंसी वाले बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं। कुहू आ चुकी है, तो दिस इज रियली गुड। और ये कुहू का नया कॉट सेट है जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और कुहू ये ड्रेस नहीं पहनेगी, डेफिनेटली दूसरी ड्रेस पहनने वाली है। तो ये एप्टामिल अभी हम कुहू के लिए बनाते हैं और कुहू अभी इसको पिएगा। आफ्टर 12 मंथ्स इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही आपको बनाना होता है। जो टीथिंग है ना, वो यहाँ से एक दांत और आ रहा है। अब जो दो दो वाले पेयर में आते थे वो आना बंद हो गए, अब सिंगल सिंगल आना स्टार्ट हो गए उसके। तो ये है, ये कुहू की फोटो है। चलिए गाइस, उसको फॉर्मूला मिल्क तो पिला दिया है मैंने, तो जितना बनाया था उसका उसने सिर्फ आधा पिया है। वेलकम टू द टॉडलर लाइफ। सो अभी फटाफट से रेडी होती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एनेट हॉलीवुड है तो वहाँ ट्राई कर रहे हैं, वो भी 5-स्टार होटल ही है, तो लेट्स सी कैसा है क्या है। तो वहाँ निकल रहे हैं, मैंने पहना ये ड्रेस, चलिए निकलते हैं वहाँ पर और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं, बिल्कुल हमारे मतलब निशा के घर के साइड में है, इतना पास में है।
ओके गाइस, तो हम लोग आने के बाद जो सोए हैं, मैं तो इतनी खतरनाक सो गई थी, मैं भी सो गई थी, विक्की भी सो गया था, कू भी सो गई थी। हम सीधे होते हैं 2:30 बजे उठे, घरों पे बात वगैरह करी है और उसके बाद फिर हम लोग सीरीज देख रहे थे ये काली काली आंखें, तो हम लोगों ने वो आज ख़त्म भी कर दी, मतलब कल से हमने स्टार्ट कर दी थी। बहुत अच्छी सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है। फिर उसके बाद कू को सुला दिया और अभी बस शाम हो गई है, तो एज सच हमारा कोई प्लान नहीं था, बट हमारे एक फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि हम तो आएंगे, भले तुम कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, हम तो आएंगे। तो हम लोगों ने सोचा वो लोग आएंगे, तो विक्की मैगी बना रहा है, विक्की की मैगी बहुत अच्छी बनती है, तो थोड़ा सा मैगी बना के उनको खिला देंगे और फिर हम लोग द वॉक चले जाएंगे। बस ये प्लान है, क्योंकि हमने सोचा था कि हम लोग डिनर बुफे करते फिर से जहाँ पर हम सुबह गए थे, बट वहाँ पर डिनर बुफे सिर्फ फ्राइडे नाइट को ही होता है, मंडे टू संडे में सिर्फ फ्राइडे नाइट होता है, बाकी दिन नहीं होता। तो आज सैटरडे नहीं है उनके यहाँ फ्राइडे, नहीं तो हम लोग डिनर बुफे करने के लिए जाते। और अभी मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है, ट्रैफिक में फंस के, बिकॉज आज सैटरडे है तो इतना ट्रैफिक होता है, मतलब जो हमारा विसिनिटी है हीरानंदानी स्टेट, हमको सिर्फ उसी में ही कहीं जाना है, तो सबसे पास हमारे द वॉक है, क्योंकि अब हमको बच्चों की नज़र से सोचना पड़ता है कि वहाँ क्या है। तो वहाँ पे क्या 2-3 ऐसे ऑप्शंस है, रेस्टोरेंट वगैरह भी है, भूख लगती तो आप खा सकते हो, बच्चों की चिल करने की जगह है। फिर अभी तो 2-3 दिन एग्जीबिशंस, मैंने बताया हमारे यहाँ पे बिल्कुल एग्जीबिशंस लगती रहती है, तो एक थोड़ा आउटिंग हो जाता है, और पास की पास में है। 7 बज गई है, पूजा वूजा हो गई है, अभी फटाफट से मैं रेडी होती हूँ। मुझे सच बताओ, ऐसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स जो हक से बोलते हैं ना, नहीं हम तो आएंगे, तुम चाहे कुछ कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, हम तो आ रहे हैं भाई। मैं भी यूजुअली अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए ये वाला एटीट्यूड रखती हूँ कि नहीं हम तो आ रहे हैं तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए, तो वो अच्छा लगता है। और फिर वैसा है, ये होती हूँ, ड्रेस पहनती हूँ फटाफट से, पहले कुहू को रेडी कर देती हूँ। ये है कुहू की ड्रेस, सो प्रिटी ना, बहुत प्यारी ड्रेस है ये, हिमांशु ने उसको गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे। ये शूज और ये ड्रेस कुहू पहनेगी आज। तो मस्त फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन वेडिंग एग्जीबिशन लगा था यहाँ पर, और अब यहाँ पे बस हर वीकेंड एग्जीबिशन ही रहेगी। तो वैसे तो कुछ लेना नहीं था, बट यहाँ पर आते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ जैसे ना यूनिक सी चीज़ मिल जाती है जो बहुत यूनिक और एंटीक होती है, तो हम लोग फिर ले लेते हैं वो। तो बस ऐसी बेसिक सी एक चीज़ मैंने खरीदी और एक जो मेरे साथ आई थी अंकिता उसने भी खरीदी है, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा जोन है चिल करने के लिए, तो जो पापा लोग हैं वो यहाँ पर बच्चों को टाइम पास करवा रहे थे, तब तक हम लोगों ने पूरा घूम लिया अच्छे से। तो यहाँ पर अच्छा लगता है, मतलब मुझे यहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगती है, और यहीं पर वेस्ट साइड वगैरह है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। कू देखिए विक्की के साथ मस्त, वो जो एक ऐसा बाइक वाला है ना वो चलाती है, तो जब भी हम वीकेंड पे आते हैं ना तो कू को बड़ा मज़ा आता है, तो या तो बस में बैठते हैं या इसमें बैठती है या वो मेट्रो ट्रेन है उसमें बैठती है। तो ऐसा हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है किड्स फ्रेंडली जगह पे जाकर के, हमारा क्या देखिए कू ज़्यादा हम लोग ये देख करके जाते हैं कि कू कहाँ एंजॉय करेगी अब, तो वैसा है। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एक्चुअली कल, हाँ उनको विक्की गया हुआ है गांव, तो विक्की जब जा रहा था विक्की को लग रहा था हम लोग अकेले कैसे रहेंगे, ये वो किसी को बुला लो ये कर लो, मैंने बोला मैं वैसे भी विक्की रहता है, मेरी मम्मी भी मेरे को पूछ रही थी तुम अकेले मैनेज कर लो कि रह लो कि अकेले, मैं जब वो ऑफिस जाता है तो मैं अकेले ही उसको मैनेज करती हूँ, उससे वो रात में, मतलब ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं कि विक्की सुबह
7-8 बजे से उसकी मीटिंग होती है, फिर वो रात को भी 9-9:30 बजे ऑफिस से आता है, दिन भर ऑफिस में रहता है, तो मैं दिन भर कू को खुद ही मैनेज कर रही होती हूँ, तो रात में बस सोना ही तो है। तो कल आराम से, कल भी हम सो लिए थे आराम से, अभी आज भी दिन भर एकदम टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो गई। इनफैक्ट मैंने अपनी एडिटिंग भी कर ली है, आज वो रात में बैठेगा, कल सुबह आ जाएगा, बस से गया है बिकॉज गाँव गया है। तो अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ आइकिया हॉल। तो आइकिया से मैं टोटल 5 चीज़ें लेकर के आई हूँ, वन बाय वन आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तो हम लोगों ने लिया है ये कप, जो कि ऐसे ट्रेनिंग कप है बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, स्टेनलेस स्टील का है, आप लेकर के आए, बहुत लाइट वेट है और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये लेकर के आए हैं, ये बाउल है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला बाउल भी। इसमें एक्चुअली ऐसे स्टिक करने का है, ये आप ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी स्टिक करने वाले की। उसके बाद एक मैं ये थ्रो लेकर के आई हूँ, 600 रुपीज़ का मिला है मुझे ये, और एक ये वाइट कलर का थ्रो लेकर के आई हूँ, जो कि नहाते टाइम ही गंदा हो गया क्योंकि विक्की ने इसको डिक्की में रख दिया था, अभी डिक्की में रख दिया वाइट कलर का थ्रो बिना किसी रैप करे या पॉलिथिन में या किसी बैग में, तो गंदा तो होगा ही ना। उसके बोलता है वॉश कर लो, मैंने कहा भाई नए का मतलब ही क्या रह गया। उसके बाद लेकर के आई हूँ ये है क्रिसमस ट्री। तो वैसे तो मैंने देखिए कभी जब मेरे यहाँ डांस क्लासेस चलती थी तो बच्चे आते थे, तब भले ही मैं थोड़ा क्रिसमस वगैरह थोड़ा शौक लगता था मुझे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते थे, फिर उसके बाद तो कोई कोविड ओविड आ गया, फिर क्रिसमस विसमस का इतना मेरा मतलब बस हाँ क्रिसमस है ऐसा है। बट नाउ बिकॉज कुहू इज विथ मी, तो मैंने सोचा विक्की बोलते ये लेने की जरूरत क्या है, हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। मैंने बोला मैं तो हर चीज़ सेलिब्रेट करूंगी, और मैं वैसे ही नेटफ्लिक्स पे बहुत क्रिसमस मूवीज़ देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्रिसमस मूवीज़ देखना, इतनी प्यारी वाइब होती है, हैप्पी वाइब होती है, ब्यूटीफुल डेकोरेशन होता है, अच्छा मौसम होता है, तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैंने बोला मैं इस बार थोड़ा सा सेलिब्रेशन क्या मतलब अच्छे से डेकोरेट करेंगे, कुहू को पता होना चाहिए हर फेस्टिवल वो सेलिब्रेट, उसको पता होना चाहिए सारे फेस्टिवल्स कैसे होते हैं क्या है। और यस ये है, बस ये 5 चीज़ें हमने ली है। बात करनी थी वो ये है, इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 चीज़ बताती हूँ। एक तो मुझे लास्ट टू लास्ट वीडियो में आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे नहीं जाओगे क्या कुहू को लेकर के, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था उस पर भी मेरे पास 2 क्वेश्चन आए थे कि आप कुहू को उसकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कब कराने वाले हो, बिकॉज बहुत सारे लोग बेबी मून पे जाते हैं, फिर फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हैं, आजकल काफ़ी ऐसा ट्रेंड है ना। मेरे पास भी क्वेश्चन आया कि आप कहाँ ट्रिप पे लेकर के जाएंगे कुहू को इंटरनेशनल। तो देखिए सबके लाइफ के अलग अलग गोल्स होते हैं, अभी क्योंकि वो ट्रेंड में चल रहा है और 10 लोग कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसको दिखाने के चक्कर में या वो चीज़ फॉलो करने के चक्कर में अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं या जो हमारा जिस तरीके की प्लानिंग हुई है वो चेंज कर दूँ, राइट। तो हमारा ये बहुत स्टार्टिंग से ही था, मेरे को बहुत देखिए बहुत ऐसा मेरे को शौक नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है मुझे वहाँ जाना है, मुझे था कि हाँ भाई फॉरेन कंट्री मुझे एक आध बार घूमनी है, जिसको 3 कंट्रीज़ हम घूम चुके हैं पहले ही, पता था कि द मोमेंट वी विल गो फॉर यू नो बाइंग होम हमको बहुत सारी चीज़ें स्टॉप करनी पड़ेंगी। घर का बजट है वो हमने ऊपर जाके परचेस किया है, जिसका अभी लोन चल रहा है, एंड इट्स अ वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ लोन, मतलब ये छोटा मोटा लोन नहीं है, एक मंथ का लोन का ईएमआई निकलता है ना उसमें, हम आराम से एक हमारी जैसे हमने सिंगापुर ट्रिप करी थी हम उतनी ट्रिप आराम से कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ज़रूरी है कि लोन कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी। तो और मैं सच बताऊँ देखिए सबका सोच सबकी अलग अलग होती है, कुछ लोगों का होता है कि छोटा बच्चा है तो बाहर जाना चाहिए, कुछ लोगों का होता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने नहीं जा करके बेस्ट ही डिसीजन लिया है, बिकॉज जो हम अभी गए थे एक छोटी शॉर्ट ट्रिप पे, जैसे हम एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम इमेजिका गए है ना, वहाँ पर कितनी सारी राइड्स होती हैं, हम जब सिंगापुर गए थे तो आई थिंक जो हम जब सिंगापुर गए थे तो हम लोगों ने ऐसी कोई एक राइड और रोलर कोस्टर नहीं था जो हम लोगों ने लिटरली छोड़ा हो, इतना एंजॉय किया था छोटे बच्चे के साथ। अभी या तो आपको राइड्स छोड़नी पड़ेगी, अब आप इतनी दूर जा रहे हो, इतना पैसा लगा के जा रहे हो, इतनी महंगी महंगी टिकट्स होती हैं, आप वो लगा करके जा रहे हो, इतना महंगा स्टे कर रहे हो, तो हर बार ही थोड़ी ना आप सिंगापुर ही जाओगे, और उसमें भी आप कंप्लीट करके नहीं आओगे, सिर्फ बच्चे को अगर मुझे प्रैम में लेकर के स्ट्रॉलर में लेकर के या बेल्ट में लेकर घूमना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए आप नहीं कर पाएंगे है ना, एक इंसान बच्चे को संभालेगा और एक करके राइड करके आएगा तो उसमें कोई मतलब नहीं। देखिए करने वाले करते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, जिसको शौक है वो करता है, बट मेरा और हम लोगों का ऐसा मानना है विक्की और हमारा अभी हमने देख ही लिया है, तो इस तरीके से घूमने से अच्छा है कि हम अभी जाएंगे, फिर हमारा है कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर
ये हमारा एक ट्रेलर ही हो गया ना, तो हम बाली भी गए थे तो हमने हर एक जगह लोकेशन एक्सप्लोर किया था। 10 डेज के लिए हम गए थे, हम सिंगापुर भी गए थे तो 7-8 डेज के लिए गए थे, मरीना बे में 2 दिन स्टे किया। फिर मतलब हमने ऐसी कोई सिंगापुर में जगह नहीं होगी जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी होगी, जहाँ शॉपिंग नहीं करी हो, चाहे हमने वो नहीं किया हो। तो फिर मेरे को है कि आप जा रहे हो इतनी दूर तो एक एक चीज़ कवर करना चाहिए। अभी बच्चे के साथ, बेबी के साथ मुझे नहीं लगता, ये हमने ट्रेलर देख लिया छोटा सा कि कवर कर पाएंगे। तो मेरे को ऐसा है कि जैसे कभी डिज्नीलैंड जाएंगे, है मेरे भी ड्रीम्स हैं कहीं जाना है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बट मेरे को ऐसा है कि थोड़ा सा समझने लग जाए, मेमोरी में रहेगा। ले हमारा जो सबसे बड़ा मेन, उठाओ चलो अपने आप का उठाओ, सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट है वो है हमारा लोन। लोन कंप्लीट हो जाए उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। वो एक रीजन हो गया कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल पे क्यों नहीं जा रहे। अभी दूसरा एक और मैं आपको बात बताती हूँ, ये मेरे अंदर मुझे नहीं पता ये ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस विद एज हो गया है या क्या हो गया है, या ठीक है कहीं जान, जितना कंफर्टेबल मैं घर पे हूँ। ओके सो आई चेंज द लोकेशन। सो बेसिकली जो नेक्स्ट चीज़ है मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या है कि अभी जब मैं जैसे घूमने के लिए गई थी स्टेकेशन, तो हम जो लास्ट ट्रिप गए थे वो कश्मीर की गए थे। तो देखिए कश्मीर वाली ट्रिप में हम, मैं उसको छुट्टी मानती ही नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि हम सिर्फ चलते ही रहे चलते ही। विक्की बोलते हैं हम अभी तो गए थे कश्मीर, तो मैं विक्की को बोलती हूँ भाई मैं उसको कोई ट्रिप नहीं मानती हूँ, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को जा रहे हैं, ऐसे हमारा पूरा 7 डेज का ट्रिप रहा है, तो उसको मैं रिलैक्सेशन ट्रिप नहीं मानती। हाँ बस गए हो क्या गए, एंड उस टाइम पे क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, ट्रिप में वॉमिटिंग करती हुई गई थी, कुछ खा पी भी नहीं पाई थी, तो मेरे लिए तो बस वो ट्रिप ऐसा था कि हाँ ठीक है। बाकी मतलब मैं उस ट्रिप को बहुत कंसिडर नहीं करती हूँ। मेरे को कैसा है ना, जो हमारा घर का कम्फर्ट होता है, मेरे को कैसा कम्फर्टेबल लाइफ ज़्यादा अभी प्रेफरेबल लगती है विद बेबी। जैसे कुहू भी गई, तो कुहू को कैसा, अभी हम होटल में जा रहे हैं तो शी स्टार्टेड रोमिंग है ना, वो भागती है भाई उसको ये पकड़ना है, तो हम उसको बोल रहे हैं कुहू ये मत पकड़ो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है रूम में, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टॉयज है, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है। बार हम लोगों को बेड पे कैसे सोने की आदत है, हमारे पूरे बेड पे ऐसे फेंस लगी हुई है, कॉट पे हमने कभी टिकू को सुलाया ही नहीं है, तो मेरे को आदत ही नहीं है कि कॉट पे रखने की एंड ऑल दैट, वो वाला एक इशू है। तीसरा जो इशू मुझे लगता है वो ये है कि मेरे को वैसे भी इन जनरल जो होटल बेड्स होते हैं ना वो बहुत अनकम्फर्टेबल है, नो मैटर वॉट, आप ताज के होटल बेड भी देख लो, चाहे किसी के भी होटल बेड देख लो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे नींद नहीं आती है। तो पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं मैं कैसी हो गई हूँ, मुझे ऐसा अभी जब मैं गई ना, तो मैं जब गई वहाँ पर, तो गई तो मैं बहुत एक्साइटमेंट में थी कि हाँ मैं स्टेकेशन पे जा रही हूँ, सब स्टेकेशन पे जाते हैं, मैं भी स्टेकेशन पे जा रही हूँ, बट मैं एक्चुअली मैंने बहुत इंजॉय नहीं करी उस चीज़ को। मतलब मुझे अपना घर याद आ रहा था, मुझे लग रहा था यार एट दी एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू माई बेड, मुझे मेरा बेड चाहिए, स्पेस चाहिए, आप समझ रहे हो। तो ये आप मुझे बताइएगा कि किस किस के साथ इशू, क्या मैं होमसिक होती जा रही हूँ। अब आप बोलोगे आप अपने घर तो जाते हो, तो दुनिया में सिर्फ 2 जगह है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, एक तो मेरी मम्मी का घर जो मेरा घर भी है, और दूसरा मेरा ये वाला घर। ये 2 जगह के अलावा, मतलब मम्मी के पास भी मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ वहाँ पर भी, के अलावा मुझे कहीं जमता ही नहीं। आप सोचो ना इतने अच्छे होटल में हम 2 दिन के लिए, ये हमारा ही लेडीज़ों का ही डिसीजन था, मेरा और अंकिता का, कि यार चलो अपन दूसरे दिन का जो है वो कैंसिल करा देते। उसके बावजूद भी बुक ने मुझे कम से कम आते टाइम 3-4 बार सोचा उसको, मतलब ये नाराज़ नहीं हो जाए भाई, हम एक तो आए इतने टाइम बाद एस्टिकेशन पे। तो जब मैं घर आ गई तो मैं इतनी खुश हो रही थी, मैंने कहा वाह यार हाँ आज मैं अच्छे से सोऊंगी, क्योंकि मैं हमने हालांकि हमको वहाँ पर कॉट मिलता, बट कुहू कॉट में सोती नहीं, वो मेरे पास ही सोती है, क्वीन साइज बेड था, तो विक्की को हमने जो सोफा कम बेड था ना उसमें वो सो गया था, तो मेरी रात भर आधी तो इसी चीज़ में नींद नहीं आएगी, कुहू के उठ करके इधर नहीं चली जाए, तो मैं ढंग से सो ही नहीं पाई, तो वो सब इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतने लोग घूमने जाते हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे अंदर, मैं कुछ अजीब सी, तो मतलब मैं होम सिकनेस जोन में तो नहीं जा रही हूँ। बहुत टाइम बाद शायद मैंने स्टेकेशन किया, मैं ऐसे मल्टीपल थॉट्स पे आई थी कि शायद मैंने बहुत टाइम बाद स्टेकेशन किया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। अभी एक आध और करके देखती हूँ थोड़े टाइम में, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये आपके साथ भी होता है, या ये मदर बनने के बाद चेंजेस आए हैं, या अब जैसे हम घर पे हैं अभी मन करा है कुछ भी बना करके खा लेते हैं ज़्यादा, ये तो हमारे आसपास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया ना बहुत अच्छे अच्छे अरोमा बिस्तरों से मुझे पास्ता खाना होता है, मैं फट से वो मंगा लेती हूँ, अभी सैलड मंगवा लेती हूँ, जो भी मुझे खाना होता है मेरे आसपास सब कुछ अवेलेबल है, जो भी मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं स्टेकेशन पे, पता नहीं यार आई डोंट नो, मैं बहुत ओवर थिंक कर रही हूँ या आई डोंट नो, बट जब मैं यहाँ आई ना तो आप सोचिए हम घूम कर के आए, तो आई वॉज लिट कू तो एक्साइटेड थी बट आई वॉज इवन मोर एक्साइटेड टू गो
डाउन एंड मीट माई किटी फ्रेंड्स और कुहू के जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों से. तो जब हम आ गए और अनपैकिंग कर गए तो ऐसा भी नहीं कि हम चलो अभी घूम के आए दिन भर से तो हम थक गए तो अभी घर पे रहते, नहीं, हम फट से चेंज किया विक्की और विक्की को मैंने बोला हम लोग जा रहे नीचे. मैं कुहू को लेके मस्त नीचे गई, सबसे मिली. तो मुझे ये जो जोन है ना, जो मैं अपना रूटीन है मेरा ये वाला जो भी चल रहा है, नीचे मिलना, दोस्तों से मिलना, ये सब मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा है. मतलब ये रूटीन मुझे ज्यादा, सिंपल रूटीन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. तो वैसा हुआ है भाई मेरे साथ. तो हाँ बताइएगा ये कैसा. फिर मैंने मेरी एक और फ्रेंड है उनको भी यही चीज़ बोला. मैंने कहा यार मुझे तो मज़ा ही नहीं आया स्टेकेशन पे. लोग जाते हैं बहुत स्टेकेशन करते हैं, ऐसा ला हमको तो मज़ा ही नहीं आया बिल्कुल भी स्टेकेशन पे. मैं जो देखती हूँ भाई, बताइएगा आप लोग भी कि ये आपके साथ भी होता है कि ये सिर्फ मैं स्पेशल केस में आ गई हूँ. तो चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं खत्म करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and comment down below. Bye.